हेलो फ्रेंड्स, इंद्राणी सेनगुप्ता बड़ौदा से। आज आपके पास लेके आए हैं ऐसा एक प्रोडक्ट जो कि बहुत जरूरी है मेकअप करने से पहले और मेकअप के बाद यूज करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये है अर्बन कलर का जो एक क्लींजर है हमारे पास, जिसका नाम है बाई फेस मैसलर वाटर। क्या खास है ये प्रोडक्ट का? आइए जान लेते हैं। सबसे पहले माइसलर वाटर होता क्या है? सबसे पहले ये वाटर आप अगर देखेंगे बहुत नजदीक से, इसमें एक ऑयल का कंटेंट है और एक वाटर का कंटेंट है। ये दोनों का मिश्रण है ये माइसलर वाटर। जब भी यूज करें तब आप इसको शेक करके यूज करना है, ताकि ये दोनों मॉलिक्यूल साथ में मिल जाए। अब ये माइसलर होता क्या है? माइसलर एक मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारे फेस में जब भी हम मेकअप करने से पहले या मेकअप के बाद में यूज करना चाहिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जब भी स्किन में जाते हैं, उसका जो स्किन के अंदर जो भी हमने मेकअप किया है, अगर वो पोर्स तक चला जाता है तो वो माइसलर वाटर के कारण उसके उसमें आके वो चिपक जाता है। आपके फेस में अगर कोई भी रेसिड्यू रह जाता है मेकअप का, जो कि नॉर्मल क्लेंजर से नहीं जाता है, वो माइसलर वाटर से बहुत अच्छे से जाता है। इन दैट सेंस, जैसे कि हमारे अगर मेकअप अगर रह जाता है तो क्या होता है, आगे जाके एक्ने, पिंपल्स, ये सारे चीज का प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि पोर्स के अंदर जब मेकअप रह जाता है, तभी जाके वो स्किन में पिंपल्स और एक्ने के हिसाब से आगे दिख जाता है। अगर आप माइसलर वाटर यूज करेंगे, माइसल के कारण, पानी और ऑयल के जो मिश्रण है उसके कारण जो भी रेसिड्यूज है मेकअप का, वो सारे बहुत अच्छे से क्लीन होता है। मेकअप से पहले भी क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेकअप से पहले करेंगे तो भी अंदर अगर कोई भी डर्ट है, कुछ भी है, तो वो बाहर निकल आते हैं। यानी कि मैग्नेट की तरह काम करता है ये माइसल। जो आपके पोर्स के अंदर जो भी डर्ट है, चाहे वो मेकअप का हो, चाहे वो आपका धूल मिट्टी हो, सारे चीज को मैग्नेट की तरह खींच के बाहर लेके आते हैं और आपके फेस पोर्स के अंदर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसी के कारण ये यूज होता है। मार्केट में भी बहुत सारा माइसलर वाटर आपको मिलेगा। क्या बेसिक डिफरेंस क्या है मोदी केयर का और इनका? ये बेसिकली, जैसे इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है मार्केट का, अगर यूज करेंगे, यूज करने के बाद जल्दी ये ड्राई नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, जो अंदर का डार्ट है वो तो वो निकाल देते, पर जब वो ड्राई नहीं होता है तो बाहर का जो धूल मिट्टी है वो भी इसमें मैग्नेट की तरह आके अट्रैक्ट करके अपने स्किन के अंदर फिर से एक धूल मिट्टी का एक स्तर लगा जाता है। इसी के कारण पर हमारा जो ये है, ये दोनों चीज ऑयल एंड वाटर का कंटेंट साथ में है, इसीलिए इसको लगाने के बाद तुरंत ड्राई हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मार्केट के प्रोडक्ट में जो है वो अर्बन कलर का ये प्रोडक्ट में नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूंगी ये प्रोडक्ट को, जब भी आप मेकअप करें, चाहे वो नॉर्मल मेकअप हो चाहे हेवी मेकअप हो, आप इसको जरूर यूज करें। ऐसे तो मोदी केयर में बहुत सारा क्लेंजर है और हम लोग सब यूज करते हैं, पर मैं 100% कभी भी अगर मेकअप करती हूँ या मेकअप करने से पहले या मेकअप के बाद, चाहे काजल क्यों ना हो, मैं माइसलर वाटर जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली में मेकअप को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। और मैं एक बार इसका डेमो भी करके, जैसे कि मैं ऑलरेडी मेकअप की हूँ तो उसको मैं डेमो के तौर पे आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये वर्क करते हैं। और सबसे पहले यूज करने से पहले आपको शेक जरूर करना है इसको, और इसके ऊपर आपको वाटर लेके बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, इसमें अगर मैं बताऊँ, इसके अंदर मोरक्कन अर्गन ऑयल का कंटेंट है जो ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। तो कोई भी आप अगर एक्ने का प्रॉब्लम है या पिंपल्स है, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और यूज कैसे करना है, एक डेमो के जरिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा सा लिए हैं, अब इसको जब भी आप यूज करें तो आपको 1-2 मिनट इसको रखना है मेकअप के ऊपर, उसके बाद धीरे से निकाल देना है। देखिए कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये इससे पूरा मेरे मेकअप को क्लीन कर लिया है।
एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ऐसे तो मोदी केयर में बहुत सारा क्लेंजर है, पर ये मिसलर वाटर मेरे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं मेकअप से पहले और मेकअप के बाद। सो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी, आप भी आपके नेटवर्क में इसको शेयर करिए, खुद यूज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो आपको देखने को मिले। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, और जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना बढ़िया बिजनेस होगा, क्योंकि बिजनेस है शेयरिंग का। सो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।